भैया रे चैनल लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले बल्का भैया रे। हम लोग आज आए हैं अपने प्रयागराज के कीटगंज गोरख कब्रिस्तान, जहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्र दफन किया गया 600 अंग्रेज़ों का। 1857 की जब क्रांति हुई थी, जो अंग्रेज़ अफसर व सिपाही मारे गए थे, उन्हीं का कब्र यहाँ पे दफन हुआ है। आज के वीडियो में यही सब दिखाएंगे दोस्तों, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, और इसमें कुछ निर्देश भी बोर्ड में लिखा हुआ है। ये बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इसका यहाँ का बाउंड्री वाल क्षति पहुँचाएगा, कब्र में कुछ क्षति पहुँचाएगा, तो उसकी 2 वर्ष कारावास हो सकती है, 1,00,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, भारत सरकार द्वारा इसमें लिखा गया है। तो अगर आप लोग यहाँ आएँ तो कोई क्षति ना पहुँचाएँ, नहीं तो जुर्माना हो जाएगा, कारावास हो सकता है, ये निर्देश में लिखा गया है। तो बाकी 1857 जब क्रांति हुई थी, अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्र है, सिपाहियों का, अफसरों का 600 कब्र है यहाँ, 600 लोग मारे गए थे अंग्रेज़ लोग। तो दोस्तों यहीं हम लोग आए हैं, बड़का भैया है हमारे साथ में, और बड़का भैया के यूट्यूब चैनल है राकेश यूपी ब्लॉग्स, आप लोग जाकर चेक करिए भैया का चैनल, सब्सक्राइब करिए, जो कि हम लोग साथ में वीडियो बनाते हैं, दोनों लोग का सपोर्ट करिए, तभी हम लोग आगे बढ़े, जिससे हमारा लोग का मनोबल बढ़े। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, तो हम लोग और वीडियो बनाने की सोचेंगे, अच्छा अच्छा टॉपिक, नई नई वीडियो हम, और हम लोग दूर दूर जाने के लिए सोचेंगे, और टॉपिक आप लोग को देंगे, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए बड़का भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। ये 1857 की जो कब्र यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो है मारे गए थे, अंग्रेज़ यहाँ पे जो मारे गए थे, उनकी यहाँ पे कब्र बहुत पुरानी कब्र है। तो सरकार के द्वारा अब ये देखिए इसका जो है बाउंड्री किया जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है बाउंड्री नहीं हुआ था। इस समय देखिए दीवार वगैरह सब बन रहा है, और यह जो खिड़की वगैरह सब रखा हुआ है। बाकी आप और दोस्तों, बाकी हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे, आप सबको दिखाएंगे जितना हो सकेगा। तो भाई आप लोग भाई प्यार सपोर्ट बना के देखिए, हम दोनों लोग दोनों भाइयों का प्यार सपोर्ट बनाइए, जिससे हम दोनों भाई दूर दूर निकल सके। तो दोस्तों देर नहीं करेंगे, जल्दी से हम चलेंगे वीडियो पे, टॉपिक पे चलेंगे, आइए फिर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग एंट्री गेट से प्रवेश कर लिए हैं गोरा कब्रिस्तान कीटगंज का। गेट पे एंट्री करते ही यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा, देखिए, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसको देख लें। देखिए लिखा हुआ है, ये गोरा कब्रिस्तान लिखा हुआ है। बाकी ये बाउंड्री बन रहा है, देख सकते हैं, नई भी बन रहा है संरक्षित करने के लिए, और इधर ये खिड़की वगैरह सब, इसके जो बाउंड्री पे लगता है जाली वाली, सब रखा गया है, अभी बनाया जा रहा है। अंदर एक पीपल का पेड़ है, और बाकी देखिए ये रोड ये सब बना हुआ है पत्थरों से, कितना अच्छा बनाया गया है। देखिए दोनों तरफ अशोक का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए, और इधर ये बरगद का वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, ऊपर देखिए इधर दिख रहा है ऊपर तक, ये देखिए बरगद का वृक्ष है, और कब्र यही कब्र है दोस्तों, देखिए देखिए ऊंचा ऊंचा बनाया गया है, और पूरा दिखाएंगे दोस्तों आप सबको वीडियो हम, ये देख सकते हैं ये सब कब्र ही है, सभी कब्र के ऊपर ये स्तंभ बना हुआ है, देख सकते हैं इधर, और आगे तक देखिए उधर बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं, और हम लोग इधर दाहिने तरफ चल रहे हैं, और आगे देखिए इधर बैरहना, ये पुलिस चौकी भी है सामने, ये दिख रहा होगा शायद, और रोड है ये, और ये रोड अगर आप पकड़ के जाएंगे, इधर जाएंगे तो उधर आगे जाके चुंगी चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो नैनी नया पुल चले जाएंगे, इधर सीधा देखिए दोस्तों ये सब बना हुआ है स्तंभ, ये सब अंग्रेज़ों का कब्र है, इसमें देख सकते हैं उधर आगे तक देखिए, वहाँ तक देखिए, हर जगह कब्र है पूरा, छोटे छोटे बड़े बड़े सब देख सकते हैं, इधर भी देखिए, और इधर भी देख लीजिए, और इसमें यहाँ पे कर्मचारी लोग भी लगे रहते हैं घास फूस की साफ़ सफाई व मेंटेनेंस के लिए, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना दिया गया है यहाँ पे, अशोक का पेड़ पूरा वहाँ तक लगा दिया गया है, जो कि कई एकड़ में फैला हुआ है, क्योंकि 600 कब्र ही है, मैं बता दिया हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ये सब कब्र ही कब्र है, सब सब में नाम लिखा हुआ है सबका, देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है कि कितने साल पे ये लोग शहीद हुए थे, सब लिखा हुआ है, ये देखिए इधर भी देख लीजिए, इधर भी कई कब्र हैं, सब लिखा है, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग।
कौन कितने साल में शहीद हुआ था सब लिखा गया है इसमें। इधर देख लीजिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं, और इधर भी देखिए एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। और इधर भी देख सकते हैं आप लोग, ये इधर इधर भी बना हुआ है स्तंभ, ये छोटा छोटा। और इधर देखिए, इधर इधर भी देखिए, इधर भी बना है छोटा छोटा, इधर भी देखिए दोस्तों जी, देख सकते हैं ये छोटे बड़े सब बने हैं, सब में कब्र है। ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें भी नाम लिखा है। ये देखिए किसी में अफसर का कब्र है, किसी में सिपाहियों का कब्र है, सब देख सकते हैं। पूरा लास्ट तक दोस्तों सब में कब्र ही कब्र है, गोरा अंग्रेजों का शव है इसमें कब्र में। और इधर भी देख लीजिए, और ये रोड इतना बेहतरीन बना दिया गया है जो कि पत्थरों का ही सब बना है रोड, और अगल बगल दोनों तरफ अशोक का पेड़ है छोटे छोटे, और जो कि इसको सरकार अब संरक्षित भी कर रही है। देखिए दोनों तरफ इधर पहले, और देखिए इधर राइट साइड में सब जाली उली लगा है, सब बाउंड्री वाल का काम चल रहा है, ईंट ऊट गिराए जा रहे हैं। इधर भी देख लीजिए, एक देखिए ये भी किसी अफसर का ही कब्र है लग रहा है, और किसी किसी में तीन तीन चार चार लोगों का कब्र रहता है। देखिए कितना अच्छा बना है, इधर भी देख लीजिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग दूर दूर तक। और इधर भी पेड़ पौधे थे, सब कटाई छटाई का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, सुरक्षा किया जा रहा है सब पेड़ पौधों का। देखिए इसमें भी नाम लिखा है, इधर भी देख लीजिए आप लोग, देखिए सुरक्षा के तहत बगल बगल बाउंड्री वाल किया जा रहा है, और उस पर रेलिंग लगाया जा रहा है कांटे का, नोकीले कांटों का, जिससे कोई इसमें क्षति न पहुंचाने पाए, सुरक्षित किया जा रहा है सरकार द्वारा। और इधर भी देख लीजिए आप लोग, देखिए सब साफ सफाई हो रहा है, जो कि घास उधर आगे इकट्ठा कर रहे हैं साफ सफाई करके। देखिए ये इधर भी देख सकते हैं, देखिए ईंट ऊट सब गिरा है, और इधर सब जोड़ा जा रहा है दीवाल वाल। देखिए दोस्तों इधर भी है कई कब्र, ये देख सकते हैं, देखिए सब में नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है सबका। इसमें देखिए 27 ईयर में डेट हो गया था लिखा हुआ है इसमें, इसमें भी देख लीजिए 50 ईयर में डेट हो गया था, सभी में अंग्रेज़ों का नाम लिखा हुआ है। देखिए इसमें भी लिखा है ये, और इसमें भी दिखा देता हूँ, देखिए ये भी एंजेस एग्नेस एलिजाबेथ रस्ट, देखिए ये जो कि 31 साल 9 महीने के थे तभी ये शहीद हो गए थे। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर भी देख सकते हैं, और देखिए पहले तो ये सब खुला था दोस्तों, देख सकते हैं ये जो बाउंड्री वाल दिख रहा है
खुला था, लेकिन अब बाउंड्री वाल बनाया जा रहा है तोड़ के, इसको पुनः नया कर दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये अब हम लोग किनारे आ गए। देखिए अभी तो इधर खुला है, इसे तोड़ दिया गया है, खुला है और बनाया जा रहा है अभी। देखिए और ये रोड पकड़ के अगर आप इधर दाहिने जाएंगे इस साइड तो नैनी नया पुल चले जाएंगे, इधर जाएंगे तो चुंगी चले जाएंगे, आगे चौराहा है जो कि ये कीटगंज में आता है, गोरा कब्रिस्तान कीटगंज के नाम से फेमस है दोस्तों। देखिए बालू वगैरह गिरा है सब मेंटेनेंस के लिए। और इधर भी देख लीजिए, इधर भी कई कब्र बने हैं, यहाँ पे पुल पूरा टोटल 600 कब्र बने हैं। और इसमें भी देखिए अल्टानेस जॉर्ज लिखा हुआ है सब, ये देखिए सब में नाम लिखा हुआ है, किसी में सिपाही हैं तो किसी में अफसर हैं, अंग्रेज जो हैं सब गोरा अंग्रेज हैं सब। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ, देख सकते हैं आप लोग बहुत कई एकड़ में फैला हुआ है ये। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, गोरा कब्रिस्तान का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।